एयरलाइंस अबू धाबी दुबई सर्जा और यूएई का ट्रैवल्स रिलेटेड हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स एंड डेवलपमेंट होता है और हमेशा ही कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। तो दोस्तों आज का जो चेंजेस है वो अबू धाबी के लिए। दोस्तों हम सबको पता है कि अबू धाबी दुबई रसल खेमा सर्जा आजमान सब यूएई का पार्ट है, अलग अलग एमिरेट्स है, लेकिन फिर भी हर एक एमिरेट्स का कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होता है जो उस एमिरेट्स में या उस प्रोविंस में माना जाता है। कुछ दिन पहले दुबई गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट आया था कि दुबई लैंड करने के लिए कोई वैक्सीनेशन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्जा एंड अबू धाबी का अभी तक वैसे ही है कि आपको वैक्सीनेशन होना पड़ेगा। लेकिन इस तरह आज का जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो अबू धाबी के लिए, द अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा गुड न्यूज एंड बहुत बड़ी अच्छी डेवलपमेंट आई है दोस्तों कि अभी दूसरी कोई एमिरेट्स से अबू धाबी में एंट्री करने के लिए आपको नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, जो पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। तो पहले अबू धाबी में एंटर करने के लिए कोई भी फॉरेनर्स या फिर यूएई के अंदर कोई दूसरे एमिरेट्स से अगर अबू धाबी के अंदर एंटर करना होता तो उसके लिए आपको कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट नेगेटिव दिखाना पड़ता, तब जाके आप अबू धाबी में एंटर कर सकते थे। लेकिन आज से 19 सितंबर संडे से इस टर्म्स को खत्म कर दिया गया और इसको कैंसिल कर दिया गया। आप कोई भी कोई दूसरी एमिरेट से डायरेक्टली विदाउट पीसीआर टेस्ट अबू धाबी में एंटर कर सकता है दोस्तों। तो ये सच में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज एंड अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लोग सर्जा टू दुबई या फिर दुबई टू अबू धाबी ट्रेवल करते थे रेगुलर, जिसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कोविड का पीसीआर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पीसीआर टेस्ट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है, जिस वजह से आपको दोबारा सा एंट्री करने के लिए दोबारा आपको पीसीआर टेस्ट करना होता था। तो ये बहुत बड़ा एक डिफिकल्टी था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम खत्म हो चुका है दोस्तों। आप कोई भी एमिरेट से आप डायरेक्टली विदाउट एनी पीसीआर टेस्ट आप अबू धाबी में एंटर कर सकते हो। सबको पता ही है दोस्तों कि ऐसा क्यों था, क्योंकि हर एक एमिरेट्स का जो लोग रहते हैं वो लोग दूसरे एमिरेट्स में विदाउट पीसीआर टेस्ट इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि कोविड का कंट्रोल करने का था, और अभी कोविड बहुत ही अंडर कंट्रोल है, यूएई में पर डे का केसेस बहुत कम है, तो उस हिसाब से इसको रिड्यूस कर दिया गया और हर किसी को अबू धाबी में एंटर करने के लिए अलाउ कर दिया गया। तो सच में एक अपने आप में एक अच्छे डेवलपमेंट है दोस्तों। सो अगर आप यूएई के अंदर हो या फिर काम के सिलसिले किसी से मिलने, दोस्त रिलेटिव से मिलने के लिए अबू धाबी जाना चाहते हो लेकिन पीसीआर टेस्ट की वजह से वो आप नहीं कर पाते थे रेगुलर, अब वो पीसीआर टेस्ट खत्म हो चुका है जिसकी वजह से आप अपना रेगुलर काम, रेगुलर जो भी आपका काम है वो इजिली कर सकते हो दोस्तों। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी कोई वीडियोस में दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।